हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड की स्वर कोकिला लता मंगेशकर अपनी शानदार आवाज के लिए जानी जाती हैं। उनकी आवाज का जादू न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ऐसे में बीते दिनों जब उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, तो आम लोगों से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक ने उनकी सेहत में सुधार के लिए कामना की थी। हेमा मालिनी से लेकर अदनान सामी तक ने उनकी खराब तबीयत को लेकर दुख जाहिर किया था। वहीं अब लगता है लोगों की दुआएं काम आ गई हैं, क्योंकि सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए अपनी तबीयत से जुड़ी जानकारी दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, नमस्कार, पिछले 28 दिनों से मैं ब्रिज कैंडी अस्पताल में थी। मुझे निमोनिया हुआ था। डॉक्टर चाहते थे कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊं, फिर घर जाऊं। आज मैं घर वापस आ गई हूं। ईश्वर माई बाबा के आशीर्वाद और आप सबके प्यार प्रार्थनाओं से मैं अब ठीक हूं। मैं आप सबकी हृदय से आभारी हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने अपने अगले ट्वीट में अपने फैंस और अपने डॉक्टर्स का भी शुक्रिया अदा किया है। अपने अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा है, मेरे ब्रिज कैंडी के डॉक्टर सच में फरिश्ते हैं। यहाँ का सभी कर्मचारी वर्ग भी बहुत अच्छा है। आप सबके पुनः एक बार मन से आभारी हूँ। ये प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। बताते चलें कि लता जी को निमोनिया के साथ साथ सांस लेने में भी तकलीफ थी, जिसके चलते उन्हें लगभग एक महीने अस्पताल में रहना पड़ा था। वहीं इस खबर को सुनते ही लता जी के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। उनके ट्वीट के बाद उनके फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी अच्छी सेहत की कामना करने के साथ साथ लोगों ने उन्हें काफी प्रीशियस बताया है। बताते चलें कि लता जी का हाल ही में 90th बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था, जिस दौरान उन्हें देश की बेटी के खिताब से नवाजा गया था। 28 सितंबर 1929 में जन्मी लता मंगेशकर का पूरा कार्यकाल अचीवमेंट से भरा है। उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से लेकर उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है।